छुपनी सादों से ये हिजर कैसे झेला है। आज से आप हमारे बॉस हैं। बहरोज साहब ने कंपनी वसीयत में आपके नाम की थी। फिरोज मेरे बड़े भाइयों की तरह था, आज से तुम मेरे पर्सनल बॉडीगार्ड हो। मेरी जान तुम्हारे हवाले। ये जनाब, वालेकुम अस्सलाम, खुशामदीद। शुक्रिया भाई। कमाली मियां, मैं तो मायूस हो चुका था तकरीबन कि तुम्हारे सेठ साहब आज शायद हमें फिर इज्जत अफजाई से महरूम रखेंगे, लेकिन ये तो तशरीफ़ ले आए। नवाजिश सर। सेठ रहमान इस शहर की हर दिल अजीज शख्सियत, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और मेरे नए बॉस पी जेड मीर। अरे इनसे कौन वाकिफ नहीं, आज तो जिधर जाओ इनकी चर्चे हैं। मीर साहब, यकीन कीजिए मैं आपसे मिलने का बहुत मुश्ताक था। उम्मीद है मुझसे मिलकर आपके शौक और उम्मीद पर पानी नहीं फिरा होगा। गोया इससे मजाक बहुत जोबन पे है आपकी तो। खूब तो मुझे कहने दीजिए कमाली साहब के खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने दो। आपके साथ मुलाकातों का एक तवील सिलसिला चलने वाला है और बहुत मज़ा है। वाह, है ना? वाह। तो क्या ख्याल है मीर साहब को मेहमानों से इंट्रोड्यूस नहीं करवाएंगे? एक सेकंड, अपने ख़ास मेहमान को तो मैं ख़ुद सबसे मिलवाती हूँ। मेरी तरह सर ये सब भी आपसे मिलने के बड़े मुश्ताक हैं। सर एक मेहमान की आमद है, वो आ जाएं, उनसे आप मिलने, उसके बाद खाना और फिर चलते हैं। खाने तक रुकने की जरूरत नहीं है कमाली, हमारी हाजिरी लग गई, बस अब चलने की करो। ना 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 मीर साहब, क्या हो गया, ये जुल्म तो ना कीजिए हुजूर। अभी तो एक ख़ास मेहमान आपसे मिलने के लिए आ रही हैं, जो इस महफिल की जान है। और पता है जब से घर से निकली हैं रास्ते से उन्होंने 10 बार मुझे फ़ोन किया कि प्लीज़ अमीर साहब को रोकिएगा, मैं बस पहुँचने वाली हूँ। ऐसा कौन सा खास मेहमान है? रहमान साहब इस मुल्क की फिल्म इंडस्ट्री की टॉप हीरोइन महापारा, बल्कि इस मुल्क की क्या, आप तो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में भी उनका नाम आने लगा है, हमारा फख्र है वो। आपको एक बात बताऊं मीर साहब, एक ज़माना उनका फ़ैन है और वो आपसे मिलने के लिए तड़प रही है, मेरी तरह बेचैन है वो भी। माजरत से मैं इस नाम की किसी हीरोइन का लीजिए, वो आ गई। पता है आपको, ये तो जाना चाह रहे थे, अब मापारा बेगम आपने बड़ी राह दिखाई हमें, इंतज़ार कर रहे हैं हम। अब आप दोनों एक दूसरे को अपना तारुफ करवा लीजिए। ओवर टू यू।
हम पहले मिल चुके हैं सेठ साहब, मगर तब ये महापारा नहीं थी और ना ही मैं पीजेड नहीं। इसका मतलब है आपका शुरू से एस्थेटिक सेंस बहुत कमाल का है मीर साहब, और खुशी हुई मुझे। चलें फिर, मुझे और कमाली साहब को कुछ देर इजाजत दीजिए। टेक केयर फरीजाद। बाकी की बातें तो होती रहेंगी, लेकिन सच कहूं तो दिल खुश हो गया इन लोगों को तुम्हारे सामने झुकते देखकर। किसी ने मुझसे कभी कहा था दौलत को अपने काबू में कर लो तो सारा जमाना तुम्हारे इख्तियार में होगा। खैर मेरी छोड़ो, ये लुबना से माफ पा रहा, और तुम्हारी तो शादी सेठ नुमान से होगी थी, कहाँ है वो? परिजात वो एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन थे। जब तक हमारे रिश्ते से उन्हें मुनाफा मिलता रहा तो उन्होंने जारी रखा, जैसे नुकसानात बढ़ते गए तो उन्होंने बड़ी खूबसूरती से ना अपना दामन छुड़ा लिया, मुझसे तलाक ले ली। और ये फिल्म इंडस्ट्री? मेरी अम्मी को मेरा घर बैठना घाटे का सौदा लग रहा था, सो उन्होंने मुझे फिल्म इंडस्ट्री में डाल दिया। इस बिजनेस से भी उन्हें काफी मुनाफा मिला। इस महफिल में मेरा मतलब है ये सेठ रहमान से क्या ताल्लुक है? वो क्यों तुम्हें मुझसे मिलाने के लिए इतना मुसिर था? तुम अब भी उतने ही मासूम हो परिजात, दुनिया को नहीं समझ पाए ना। सेठ रहमान ने मेरी माँ से एक सौदा किया है, तो मेरा जाने का सौदा, इसलिए मैं आज बन ठन के शहर के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून को लुभाने आई हूँ। एक जलवा फरोश बनकर। मगर क्यों, ऐसा क्या मतलब मुझसे आँख पड़ा उसे? तुम्हारी फर्म एक कंस्ट्रक्शन का बहुत बड़ा ठेका लेने वाली है, और सेठ रहमान के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो ठेका इसे मिले। उसके लिए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो तुम्हें खुश रखे, इसलिए उसने मुझे हायर किया। और अगर पीजेड मीर इस सौदे से इनकार कर ले फिर? तो मेरी माँ को लिया हुआ एडवांस वापस करना पड़ेगा, या फिर सेठ रहमान टोकन के तौर पे किसी और तरह इस्तेमाल कर ले। कोई अपना नुकसान नहीं होने देता परिजात, और तुम्हारा ये मैनेजर कमाली, उसने भी अपना हिस्सा रखा हुआ इस ठेके में। दखल अंदाजी की माजरत चाहता हूँ, कबूल कीजिए। भाई कमाल हो गया वैसे, आज तो आपने महापारा बेगम को मिलते ही अपना असीर कर लिया, वरना हम एक दूसरे को बहुत अरसे से जानते हैं, इन्होंने कभी इतना वक्त हमें नहीं दिया। वाह, वैसे तो रात बाकी है, हम जागते रहेंगे, ये महफिल भी चलती रहेगी, लेकिन खाना तैयार है? आपकी मेहमान नवाजी का बहुत शुक्रिया, आप इजाजत दीजिए। ये कैसे हो सकता है मीर साहब, वो कहते हैं ना रात बाकी बात बाकी, अभी ऐसे तो नहीं। बात अब हो ही कब रही है, सब तो मदहोश है। बहरहाल मुझे महापारा ने आपकी दावत का मकसद समझा दिया।
ना आपका काम हो जाएगा, कल किसी भी वक्त कमाली से मिल लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया मीर साहब। मैं तुम जैसा होशियार और हाजिर दिमाग बिजनेसमैन नहीं हूँ सेठ रहमान, इसीलिए हमेशा घाटे का सौदा करता हूँ। मगर आइंदा कभी मुझसे सौदा करना हो तो दरमियान में औरत को मत लाना। हमारे यहाँ ये कोई अच्छा पेशा नहीं माना जाता और मर्द अपने मर्दानगी के बलबोते पर बाजी जीते तो मत कहलाता। फिर मुलाकात होगी। मर्द की सूरत, उसकी शख्सियत और उसका वकार सब उसके पैसे से होता है। जाओ इस बेरहम दुनिया में जाओ और अपने हिस्से की दौलत समेट लो। खुद को इतना अमीर करो कि ये जो तुम्हारी शख्सियत के ऐब है ना, दुनिया को स्टाइल लगने लगे। नौमान की जगह 10 करोड़ का चेक तुम मेरे हाथ में दे दो, मैं लुबना का हाथ तुम्हारे हाथ में दे दूंगी। शुक्रिया। मैं मुखिल हो सकता हूँ सर? तुम कब मुखिल नहीं होते कमाली? सर मैंने सोचा कि आपको आज की मीटिंग का शेड्यूल बता दूं। बोलते रहो। जी सर। सर ऐसा है कि आज स्टार ग्रुप के एमडी से 11 बजे मीटिंग है आपकी। शिप इंडस्ट्रीज के जावेद साहब डेलीगेशन के साथ आपसे मिलने आएंगे 12:30 बजे। 1:30 पर लंच होगा, उसके बाद आपको ज्वाइन करेंगी सोनिया इकराम और 3:30 बजे चौधरी इंडस्ट्रीज के चौधरी साहब आपसे मीटिंग करेंगे। ये सारी मीटिंग्स आज हैं? जी सर आज ही हैं, क्योंकि बिजनेस का फैलाव इतना ज़्यादा है, तमाम पार्टनर्स के साथ मीटिंग्स करनी पड़ती हैं वरना कारोबार रुक जाएगा। बिजनेस है कैद, अब से दिन में 2 से ज़्यादा मीटिंग्स नहीं रखनी है, वो भी मुझसे पूछकर। वो तो ठीक है सर, लेकिन सर इतना तो बहुत नुकसान हो जाएगा। मेरा मतलब है कि कभी नफ़ा और नुकसान के तराजू से बाहर निकल कभी ज़िंदगी को परख किया करो। सेठ रहमान के ठेके का क्या हुआ? सर जैसा आपने कहा है, आपके हुक्म के ऐन मुताबिक आज हो जाएगा। और तुम्हारा काम वो हो गया या स्टेट को कागजात मिलने के बाद होगा? जी सर मैं कुछ समझा नहीं। देखो कमाली, याद रखना कि दुनिया में सबसे बड़ी दौलत इंसान की इज्जत नफ्स होती है। उसे खोकर इंसान को कारून का खजाना भी मिल रहा हो तो वो घाटे का सौदा है। सेठ रहमान जैसे सौदागरों की दलाली करना छोड़ दो। जी सर।
अगर आपकी तनहाई में रुकावट ना बने तो यहाँ बैठ जाओ। ओ शो, बिल्कुल आइए बैठे। शुक्रिया। वैसे मैंने आपको कहीं देखा है पर अभी मुझे याद नहीं आ रहा। जी कली सेठ साहब की पार्टी पर महापारा से मुलाकात हुई थी। मेरा नाम पीजेड मीर है। आई रिमेम्बर नाउ, याद आ गया मुझे। सेठ साहब आपकी बहुत बातें करते हैं, बहुत तारीफ करते हैं भाई आपकी। महापारा को बुलाती हूँ मैं, आप बैठें। बहुत शुक्रिया जी। वैसे एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी मैं आपको यहाँ पे। शो महापारा बहुत खुश होगी आपको यहाँ देखकर। आपने खुद आने की जहमत की, महापारा को ही बुला लिया होता। वैसे हमारी पहले मुलाकात हो चुकी है। कहाँ? बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि मेरी जिंदगी का एक बहुत अहम सबक आपने मुझे दिया था तो ये गलत नहीं होगा। तुम, मेरा मतलब है आप परिसा, आयु परिसा। मुझे अपने नाम की ये खूबी बहुत पसंद, जो से एक दफा सुन ले वो दोबारा भूलता नहीं है। मुझे वो मेरे माजी का नाम था, अब मेरा नाम पीजेड मीर है। देखें, आपके एक जुमले ने मेरी जिंदगी की राह ही बदल दी। परिजात से पीजेड मीर हो गया। अपनी मसरूफियात में से मेरे लिए वक्त निकालने का शुक्रिया। मसरूफ थोड़ी होते हैं, मसला तो तरजीहात का है। हम अपनी पसंदीदा तरजीह को मसरूफियत बना लेते हैं। ऐसी बात सिर्फ तुम ही कर सकते हो फरीदा, तुम आज भी नहीं बदले। मेरे पास बदलने को कभी कुछ था ही नहीं सिवाय मेरे नाम के। तुम घर पर क्यों हो? कोई शूट वूट? मैं तो सोच रहा था बिना बताए आ जाऊंगा, तभी तुम्हारी क्या मसरूफियत होगी, आखिर मुल्क की टॉप हीरोइन। ये बात जरूर तुमसे कमालिया सेठ रहमान ने की होगी। असल में यहाँ साल में 2-4 फिल्में ही बनती हैं और मेरी पिछली 3 फिल्में फ्लॉप हो गई थी, तो पिछले 5 महीने से घर पे ही बैठी हुई हूँ, काम ही नहीं है। अच्छा, हाँ तो फिक्र नहीं करो, करते हैं कुछ। क्या क्या करोगे मेरे लिए परिजान? पहले ही मेरी वजह से उस गिदनुमा लालची सेठ रहमान को इतना बड़ा फेवर दे चुके हो। उसको भूल जाओ, दोस्ती दोस्त के काम आते हैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम परीजात से पीज हेड मीर बन चुके हो। मुझे बताओ तुमने ये सब किया कैसे? कैसे जीत लिया तुमने इस बेरहम जमाने को?
आप कहाँ चल दिए? मैंने डिनर का इंतजाम किया है, करके जाएगा। बहुत शुक्रिया, मुझे दरअसल कहीं पहुंचना है, तकल्लुफ की ज़रूरत नहीं थी। वैसे आप मुझे तुम भी कह सकती हैं, इस आपके तकल्लुफ की भी ज़रूरत नहीं है। मैं अपने गुज़श्ता रवैये पर शर्मिंदगी का भी इजहार नहीं कर सकती, और तुम्हारी जगह कोई और होता तो मुझे मेरी औकात याद दिला देती, पर तुमने बड़े शर्फ का मुजाहरा किया। आप उस रोज भी गलत नहीं थी, उस वक्त की रफ्तार बदल गई। आपसे एक दरखास्त है, बेटी के हुनर को पहचानिए, इससे यूं कोड़ी कोड़ी के लोगों के हाथों रुस्वा मत की जगह दोबारा। ये दुनिया सेठ रहमान जैसे सौदागरों से भरी पड़ी है, जो कभी घाटे का सौदा नहीं किया करते। बारिश जैसी लगती हो, थोड़ी दिल की कहती हो, ज्यादा दिल में रखती हो, करने दो उन्हें हार सिंघार, तुम सादा ही सजती हो। क्यों जाऊं रंगरेज के पास, तुम तो स्याह में जचती हो, तुम तो स्याह में जचती हो। वाओ जी, तो लिसनर्स आपने सुनी मेरी फेवरेट नज़म, वही नज़म जिससे हर हफ्ते मैं अपने शो का आगाज करती हूँ। जी मैं यानी आपकी फेवरेट आरजे एनी। तो जनाब शुरू करते हैं आज का शो, गुड इवनिंग कराची। तो जनाब मैं जानती हूँ कि आप भी मेरी तरह मेरे फेवरेट पोइट के बारे में जानने के लिए बेताब होंगे, लेकिन मैं कितनी मजबूर हूँ। जिस यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर्स किया, वहाँ सिर्फ एक ही नाम सुनने को मिला, परिजात। ये उसी शायर का नाम है जिनकी पोइट्री की मैं आज भी बहुत बड़ी फैन हूँ, मगर कितनी अनलकी हूँ कि इतने साल गुजर जाने के बाद भी मैं सिर्फ उनका नाम जानती हूँ, परिजात। How romantic! काश 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 मैं आपसे मिल सकती परिजात सर। आ जाओ। हुकुम मालिक। अकबर तैयारी पकड़ लो, कल हम रावलपिंडी जा रहे हैं, और कमाली से टिकट्स की अपडेट ले लेना। ठीक है मालिक। Oh,
परीजाद? ओ परीजाद! हाँ तू, हाँ अचानक, ऐसे? तू, ओ बता तो देता यार, मैं आ जाता यार, तू, ये तो देख, ओ हाँ यार, देख तो सही यार तू दाढ़ी, बड़ा चंगा लग रहा, ओ मैं भी कितना पागल हूँ यार, ओ दरवाजे पर ही सारी अपनी दास्तान शुरू कर दी है, ओ अंदर अंदर ओ परिजाद आया है भाई। ओ सुग्रा देख कौन परिजाद आया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम परिजाद। अरे भाई वाह, मेरे तो घर के भाग जाग उठे। पता है असगर, आज सुबह से मेरी दाई आंख फड़क रही थी, मुझे पता था जरूर कोई खुशखबरी मिलने वाली है। हाय मेरा भाई घर आ गया, खैर खैरियत से बाइज्जत रहा। तो क्या खेल रहे हैं? ओ चाचू आए, चाचू आ जाओ, शर्मा रहे हैं। असगर भाई ये दोनों बच्चे हमारे, ओ अल्लाह ने हमको औलाद से नवाजा है, वो 4 साल का मेरा बेटा है, वो गुड़िया है मेरी। माशाल्लाह। अकबर भाई और भाभी कहाँ हैं? अरे वो तो अपने घर में शिफ्ट हो गए हैं, माशाल्लाह से जो तुम पैसे भेजते रहे हो ना उसी से उन्होंने अपना घर खरीदा है, और ये अब्बा वाला मकान हमारे हिस्से में आ गया है। असगर ने भी एक छोटा सा प्लॉट लेके रखा है। सारी बातें तुम अभी करोगी क्या? देवर इतना दूर से आया, इससे कोई चाय पानी पूछो, बल्कि खाने का वक्त हो रहा है, खाना बना लो फौरन। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं अभी अपने भाई का पसंदीदा भिंडी गोश्त और भुने हुए करेले बना के लाती, मुझे सब याद है। फौरन फटाफट बना लो। तुम दोनों गपशप लगाओ, मैं खाना लगाती हूँ जल्दी से, ठीक है? वाओ नो चाचू आए। असगर भाई सईदा आप ही कैसी हैं, मुलाकात तो होती होगी आपकी? वो सईदा, अरे सारी बातें इधर करेगा क्या, चल अंदर चल के आराम से बात करते हैं, आजा। ओ सब कुछ इधर ही है तेरा, आजा। ओ कसम ले ले, मुझे तो पूरा यकीन था कि तू बेकसूर है और बहुत जल्दी जेल से रिहा भी हो जाएगा, बस वो अकबर भाई और कुबरा भाभी मानने के लिए तैयार नहीं थे। वो कह रहे थे कि अब हमारा कोई ताल्लुक नहीं है परिजात से। आपने क्या कहा फिर? क्या कहना है मैंने, और मैं तो भिड़ गया दोनों से, और नाखून भी कभी मांस से जुदा हो सकता है, हम दोनों का खून का रिश्ता है, कैसे टूट जाएगा किसी के कहने से। और कोई कुछ भी कहता रहे, मुझे अपने भाई पे पूरा एतबार है। शर्म नहीं आई तुझे आज की मासूकी करते हुए? ये क्या है ये? बचाओ, क्या ये है? इसलिए तुझ पे खर्चा किया, ये लिखेगा तू? ये शरीफ जादियों को खत लिखने से पहले अपनी शक्ल देखी थी तूने, हैसियत देखी और खत देखी तूने? परिजात चाय ठंडी हो रही, बस अब अगर तुम आ ही गए हो तो हफ्ता भर यहीं रहो अपने घर में, हैं? तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अब ऐसे भी वो उन्होंने तो तुझसे हर किस्म का रिश्ता खत्म कर दिया है, वो तेरा नाम सुन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटी, कैसी हैं? माशाल्लाह ठीक हूँ। माशाल्लाह तू ठीक है? कमजोर लग रहा है मुझे अकबर। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे? बड़ा सा बन गया। बैठ जा। क्यों फिर अकबर, मैं ना कहती थी, मेरा दिल कह रहा था आज परी जरूर आएगा। तू ठीक है ना? जी बिल्कुल शुक्र है। परीजात जब गिरफ्तार हुआ था तो भाभी आपने ही तो कहा था कि जरूर उसने कोई जुर्म किया होगा। क्यों जी, मैंने तो यही कहती थी कि हमारा फरीजात ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। खुदा का खौफ करो, ये क्या कह रही हो तुम? अल्लाह को जान देनी है कि नहीं? मैं कहती थी, तुम कहती थी कि उसने जरूर कोई जुर्म किया है,
बल्कि कोई घर वाला उससे मिलने भी ना जाए, कहीं हम ही ना मुसीबत में पड़ जाए। मैं कब कहती थी? बस कर दें भाभी, बस कर दें। मैंने तो टिकट भी कटा लिया था वहां जाने के लिए, लेकिन तुम और अकबर भाई मेरे आड़े आ गए कि कहीं पुलिस मुझे ही ना धर ले। सारे झूठा जी बोलने, कुछ तो ख्याल कर। किसने मशवरा दिया था कि परिजात को आग करके अखबार में उसे ला ताल्लुकी का ऐलान कर देते हैं, इश्तेहार दे देते हैं और कहीं हमीना पकड़ लिए जाए? छोटा भाई है मेरा, सबसे बड़ा भाई हूं मैं। खून खौलता था मेरा, जलता था जब वो कैद में था। अपने आप से क्या चंद्र की जंग मैंने लड़ी है सिर्फ मैं ही जानता हूं। मैं भी जानता हूं किसका दिल कितना रोता है। वो सुगरा है जो हर महीने की पहली जुमेरात को न्याज बांटती थी अपने देवर के आने के लिए, वरना आप लोगों तो ने। आप लोग खाम खा की बहस में पड़ गए हैं। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, भूल जाए पुरानी बातों को। बस इतना बता दें कि सईदा आप ही कैसी हैं और उन्हें क्यों नहीं आप लोगों ने बताया मेरे बारे में। मैं खुद ही जाके उनसे मिलाता हूँ। बहुत पहले सईदा ने उसके शौहर ने हमसे ला तल्की का ऐलान कर दिया था। हमने उनको मनाने की बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश की, पर शायद उनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी या शायद उनके पास चार पैसे आ गए। सही कह रहे हैं भाई, अब हमारी सईदा वो पुरानी सईदा नहीं रही ना, और रंग में रंग गई है अपने ससुराल के। मैं तो यही मशवरा दूंगा कि उससे मिलने की कोई जरूरत नहीं है। वो सलीम पता नहीं मुंह भर के क्या कुछ कह डाले तुझको। मैं अपने छोटे भाई की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगा। नहीं करेंगे। मैं जबान ना खींच लूंगी, कोई मेरे देवर के लिए कुछ बोल के तो दिखाए। अभी उसके माँ बाप वैसे भी कहीं उम्रे पे गए, वो होते हैं तो जरा वो लिहाज भी कर लेता। अभी वो नहीं है, पता नहीं क्या बोल दें, क्या जरूरत है। मेरी फिक्र मत करें आप, वैसे भी अब तल्ख और कड़वी बातें सुनने की आदत हो गई है मुझे। छोटा भाई है हमारा, पूछ परिजनों से ये हिजर कैसे।